हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला जॉन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से इंस्टाग्राम पे जो नोट्स का फीचर्स है उसको हम लोग किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, किस तरीके से चालू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो और अभी तक जो है इंस्टाग्राम पे आपका जो नोट्स का फीचर्स है दोस्तों वो अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरा ये इंस्टाग्राम का एक डेमो अकाउंट है जो कि जस्ट मैंने आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए बनाया था, और देख सकते हो बिल्कुल एक न्यू अकाउंट है दोस्तों। और इस न्यू अकाउंट में आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैं मैसेंजर पे क्लिक्स करता हूं और यहां पे आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम का ये जो नॉट्स का फीचर्स है इस वाले अकाउंट में भी मिला हुआ है, जो कि मतलब यार देख सकते हो कुछ फॉलोअर्स भी ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है और अभी तक आपके इंस्टाग्राम में अभी तक जो है आप लोगों को नॉट्स का फीचर्स नहीं मिला है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी इंस्टाग्राम के अकाउंट पर नॉट्स का फीचर्स इनेबल हो जाएगा और आप भी जो है इंस्टाग्राम के जो नॉट्स फीचर्स है उसको आप लोग जो है यूज कर पाओगे। तो कैसे क्या करना दोस्तों, चलो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम के अकाउंट पे नोट्स का फीचर्स नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग जो है आप अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लिक करना आपके प्रोफाइल पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट परमिशन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ब्राउजर सेटिंग जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे दोस्तों अगर ये वाला ऑप्शन आप लोगों का ऑन है, सॉरी ये ऑफ है, तो इसको सबसे पहले आप लोग जो ऑन कर लीजिए। अगर आप लोगों का कुछ इस तरीके से ऑफ है तो सबसे पहले इसको आप ऑन कर लीजिए। ये करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे आप दोस्तों पता है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को मैं जो तरीका बताऊंगा ना, इस तरीके से आप लोगों को 100% आएगा। उस यहां पे मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। कोई भी आप जो है स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका भी ये प्रॉब्लम रह जाएगा और फिर आपका जो है नहीं आएगा। तो अभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो आपका मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर है उसको ओपन कीजिए और यहाँ से इंस्टाग्राम को सबसे पहले आप लोग सर्च करके यहाँ से अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद बहुत सारे जो है यूजर्स का आ जाता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूजर्स है जिसका नहीं आता है। तो बहुत सारे जो यूजर्स है वो लोग ऑलरेडी अपडेट किए हुए हैं लेकिन फिर भी जो है उनका नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ से होता है मैन खेला स्टार्ट, मैन यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। देखो अब क्या करना आप लोगों को, अभी आप लोगों को इंस्टाग्राम को यहां पे देख सकते हो, आप लोगों को इंस्टाग्राम टीम को मेल करना है। तो यहां पे आप लोगों को ऐप सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहां पे आप लोग देख सकते हो इस पे भी आप लोग मेल कर सकते हो इंस्टाग्राम को। और दोस्तों इससे अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आप लोगों को सिंपल से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। ये सारे चीज़ आपने कर लिया लेकिन फिर भी नहीं आया नोट्स का फीचर्स, उसके बाद आप लोगों को ये प्रोसेस करना है, इससे आपका 100% आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को आपके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आप लोगों को हेल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट सैकिंग, तो जस्ट आप लोग इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ से अभी क्या होगा पता है दोस्तों, यहाँ से अब जो भी है ना, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप इंस्टाग्राम के टीम को बता पाओगे और इंस्टाग्राम टीम जो है आपका जो अकाउंट है, आपका जो प्रोफाइल है उसको चेक करेगा और आपका जो प्रॉब्लम वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे आप लोगों को सिंपल से क्लिक कर देना। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैसेंजर पे क्लिक करके यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट्स का फीचर्स नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपका काम में आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को फिर से वही करना है, आप लोगों को यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जाना, हेल्प पर जाना और यहाँ पे आप लोगों रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करके रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट सेकिंग इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से वही करना है यहाँ पे। अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को वो लिखना पड़ेगा जो भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो सिंपल से दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो लिखूंगा ना बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को वही लिख देना है। वो लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपलोड पे क्लिक करके आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था दोस्तों वो वाला स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहां पे आप लोगों को क्या लिखना है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम यही लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आपका जो इंस्टाग्राम का आपका जो आईडी है दोस्तों वो आईडी यहाँ पे डाल देना। ये डालने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपल से इंस्टाग्राम को जो है टीम को आप लोगों को जो है सेंड कर देना। ये जैसे आप सेंड करोगे तो दोस्तों आपका जो ये जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, या फिर दोस्तों अगर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप में इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। ये प्रॉब्लम 100% आपका सॉल्व हो जाएगा जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा, उससे पहले या फिर अपडेट आएगा
उस टाइम भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता आप हमें इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो आप लोगों के लेके आते रहता हूँ जो कि आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।